लुधियाना के हैबोल जोशी नगर धाम स्थित सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण में 849वां हवन यज्ञ संपन्न हुआ, जो कि प्रधान अशोक जैन की अध्यक्षता में करवाया गया। इस हवन यज्ञ में प्रदीप शर्मा, शिवाश व कौशल देव के परिवार द्वारा आहुतियां डाली गई, जिसमें सौभाग्यशाली परिवार के सदस्यों द्वारा हवन यज्ञ में पूर्ण रूप से आहुतियां डाली। हवन यज्ञ को मंदिर के आचार्य पंडित विष्णु, पंडित विश्राम, पंडित संजय, पंडित राम व पंडित देवी दयाल के अलावा पंडित सुरेश ने पूर्ण विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न करवाया। इस अवसर पर प्रधान अशोक जैन ने कहा कि हमारी प्राचीन संस्कृति को अगर एक ही शब्द समेटना आता है तो वह है यज्ञ। यज्ञ शब्द संस्कृत की यज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है दान, देव पूजन व संगतीकरण। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में यज्ञ का व्यापक अर्थ है और यज्ञ मात्र अग्नि को ही नहीं कहते, वर्ण परमार्थ परायण कार्य भी यज्ञ है। उन्होंने ये भी कहा कि वेदों में यज्ञ की विस्तार से चर्चा की गई है। आज 849वां हमर यज्ञ रह गया, ये मेरे बाबा का वो स्थान है जो भगत सच्चे मन से जहाँ पे हवन यज्ञ कराते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसे ही मंगलवार को शाम को भजन संध्या होती है, पंजाब से पार्टी आती है, मेरे बाबा का गुणगान करती है, झंडे की रस्म होती है, मेहंदी पुर सरासर धाम से लाए हुए छिट्टे दिए जाते हैं और शाम को लंगर की व्यवस्था होती है। कम से कम 1000 बंदा बैठ के जहाँ पे लंगर ग्रहण करता है। आए मंगलवार को यहाँ पे ऐसे ही जितने भी धार्मिक कार्य हमारे सनातन धर्म के बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जो भी बंदा सात मंगल लगातार यहाँ पे हाजिर लगाते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। आप आइए इस सिद्ध स्थान पे बैठकर अपने प्रभु का गुणगान करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और यहाँ पे मंदिर में कार सेवा का कार्य चल रहा है, यहाँ पे इच्छापुर बालाजी, मेहंदीपुर धाम, सरासर धाम, त्रिपति बालाजी, खाटू श्याम, माँ अंजना के दरबार बनने जा रहे हैं। मेरी सभी लोगों से विनम्र बेनती है, अपनी यथाशक्ति अनुसार कार सेवा में सहयोग दें। जागृति लहर के लिए लुधियाना से पारस दानिया की रिपोर्ट।